हाय गाइस, और अभी हम लोग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी मैं यूनिफॉर्म पहन के नाश्ता कर रही हूँ। क्या कर रही है बन्नी? नाश्ते में पराठा और चाय। चाय, पराठा और चाय बहुत अच्छा लगता है ना बन्नी को। और आज स्कूल में क्या क्या है बन्नी? स्कूल में एक्टिविटी है क्या? तो बनी कैसे खाती है पराठे? ऐसे डीप करेगी रोल करने के बाद, फिर ऐसे। बनी कौन से क्लास में? क्लास 2B। ओके गाइस, हाय गाइस। तो बनी अपना नाश्ता कर चुकी है और अब मैं करूंगी। हम दोनों बहनें तैयार हो गई हैं। तो नाश्ते में क्या कर रही है बनी? हनी पराठा, पराठा और चाय। चाय, तो ये सिंपल पराठा है, टिफिन में आलू पराठा है। बना दिए। चलो फिर तैयार हो जाओ जल्दी से, अब छोटी हो गया है, खा लो, है ना? उसके बाद ऑटो आ जाएगा तो फिर जाना है, ठीक है? तो कल असेंबली है। क्या असेंबली? कल हम लोग का। बताओ ना। चलो चलो जल्दी बैग वैग अपना पैक करो और जूते पहनो, हेयर बैंड पहनो। एनर्जी से भरी हुई बनी, एनर्जी स्कूल जाने से पहले मस्ती करती हुई। अपना टिफिन बॉक्स रखो, रख लिए? हाँ दीदी का रख दो, ले लो। बड़ी से नहीं हो रहा है क्या? हो गया। अब हनी पहनने वाली है जूते। ये है हनी का टिफिन बॉक्स और ये है बनी का टिफिन बॉक्स। तो ये सब आज ले जा रही हैं पराठे। तो मैं दिखा देती हूँ, बनी का टिफिन बॉक्स में पराठा, ये रहा उसका, ये है इसका आलू का पराठा। तो घर में खाने के लिए हमने बनाया था रोटी और स्कूल ले जाने के लिए बनाया है आलू का पराठा। तो बनी का पराठा तैयार है और इसे हम फिर से पैक करके रख देते हैं। और इसके साथ है केचप, तो बनी ने ठीक से रखा नहीं है तो मैं इसे अच्छे से रख देती हूँ। सैनिटाइजर कहाँ है बनी का? पाउच यहाँ पे, इसका नैपकिन ऐसे, और सैनिटाइजर रखी है वो। चलो ये रहा उसका टिफिन, पैक हो गया, और उसका बॉटल रहा वो। बंटू, थोड़ी ठंडी लग रही है ना, तो बनी को पापा स्वेटर पहना रहे हैं। बनी स्वेटर पहन के जाएगी, तो इसके स्कूल में कौन से कलर का चलता है बनी स्वेटर? बता। नेवी ब्लू। तो बनी तैयार हो चुकी है स्वेटर पहन के, अब पापा उसको तैयार कर रहे हैं। अब बनी अब डांस दिखाएगी इसी खुशी में। एक पेपर रेड कलर का, आज क्राफ्ट का, आज क्राफ्ट का
क्राफ्ट होने वाला है ना। और एक ग्लू। ग्लू तो कैची अपनी मिस से बोलना हाँ यूज करने के लिए, खुद से नहीं यूज करना। ओके हनी आगे ऑटो। पापा का न्यूज़पेपर भी आ गया। जल्दी आना ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। इधर से म्यूजिक निकाल के उधर।